सतनाम निरभउ निर्वैरि अकाल मूरति अयूनि सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इको ओंकार सतनाम करता बुद्ध निरभउ निर्वैरि अकाल अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक 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 पातशाह जगत नू तारन वास्ते आए ते तार तारे आए ते तार भी रहे ने जिन्हां दे नाम दे नाल लगदा है कि पहलो भी सी हुण भी है अगे नू भी शुरू विच भी आद सच फिर जुगाद सच युगां विच भी हुण भी है भी सच नानक होसी भी सच गुरु नानक साहब की करदे ने मूर्खां नू सियाणे बणाउंदे गरीबां नू गरीब नवाजदे दीन पुरशां दे दयाल हुंदे ने दुखियां दे दुख दूर करदे ने दुख पंजण राक्षां नू देवते बणाउंदे पशुआं प्रेतां नू देवते बणाउंदे खोटियां नू खरे करदे बस यही बाबे नानक दे घर चे कि खोटे नू खरा करना पापियां नू तारना राक्षां नू देवते बनाउणा ठग्गां चोरां नू दुखियां दे दुख दूर करने एडा कोई नीच होवे कि बाता ही होवे नीच कोई जानदा ना होवे बाबे नानक दी नाम दी महिमा है कि चारे कुंट उन्दी मानता करनगे उन्नू मनणगे फिर जेड़ा ऐसा उन्दा नाम है क्यों नहीं आपा मनदे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाग ना पाए मन्ने पत स्यों परगड़ जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई सनातन धर्म दे महापुरशां ने संस्कृत विच बाणी उचारी है
जिन्हों अज समझण ते पढ़न दी लोड़ पैंदी। इस्लाम दे अरबी विच बाणी उचारी है जिन्हों बड़ा पढ़न ते समझण दी लोड़ है। जेड़े उर्दू तो बगैर नहीं किसी चीज़ नूं पसंद करते, पर जिन्होंने रब नूं जान लिया सी उन्होंने गुरमुखी च बाणी चारी। जिन्होंने रब नूं परमेश्वर नूं जान लिया ना कि परमेश्वर कित्थे आ, जदों रौला पिया सी ना कि मंदिर नूं मस्जिद नूं तोड़ दिओ कि मस्जिद नूं भन दिओ ते हुण हिंदू राज है इहनूं मंदिर स्थापन किया जाए, कहिंदे जदों पावर मुसलमान कोल आई उन्हें मंदिर तोड़ता, जदों हिंदू कोल आई उन्हें मस्जिद तोड़ती। कि मस्जिद रब का घर नहीं तो मंदिर रब का घर नहीं, ना तो उन्हें देखिया कि ये रब का घर है मंदिर इनू ना तोड़ो। उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद सारती बाबर ने, वो भी अन्ना होया जिन्हों जिहड़ा खुदा नूं नहीं देखता उन्हों अन्ना गिणिया जाता अंधा। अंधे ए ना आखीण जिन मुख लोहे नाहीं, अंधे सही नानका जो खसमों कुत्थे जाए। अंधे ओ नहीं जिन्हां दीआं अखां कहिंदे वी नहीं हैगीआं, कहिंदे अंधे ओ ए जिहड़े खसम नूं इक रब नूं भुल्ले होए न, जिन्हां नूं दिसदा नहीं वी खुदा वी रब ए, ए वी रब ए। उस समें दे प्रधानमंत्री सी, पता नहीं कौन सी, उन्हें राजसभा अपने उत्थे असैंबली दे विच कहा सी, असैंबली दे विच आखिया सी जदों गल चली भी ये मंदिर ये जिथे मस्जिद सारी गई है ये तोड़ी जाए तो मंदिर बनाया जाए। उन्होंने बड़ा सोहना जवाब दिता, वो कहिंदे सी ना तो तुसी मंदिर तोड़ो। वो आए उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, तुसी आए तो तुसी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दोगे। कहिंदे इंदा एक फैसला हो सकता है, जे इंदा सही किया जाए कि ये मस्जिद तोड़न तो बगैर ही मसला हल हो जाए। कहिंदे एक है कि इहनूं गुरद्वारा बना दिओ। उस समय दे पता नहीं प्रधानमंत्री सी कौन सी जां गृह मंत्री सी जिन्हां ने गल आखी सी असैंबली दे विच भी इहनूं तुसीं गुरद्वारा बना दिओ। गुरद्वारे वालिआं नूं कोई इतराज नहीं, अल्लाह दे नाम नाल उहनां नूं कोई इतराज नहीं, राम राम दे हरी कृष्ण दे नाल। वो पंथी गुरुआं ने ऐसा साजिया है जिस ग्रंथ दे विच मुसलमान भी हिंदू भी सिख भी सारे बैठे हुए ने। इको एक है कहिंदे तुसी गुरद्वारा बना दिओ ते गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश कर दिओ, तुहानू मस्जिद तोड़न दी लोड़ नहीं पएगी, रब दा घर बन जाएगा। देखिया है जिहड़ा सारिआं तो सोहणा मंदर है ना संसार च, मंदर बड़े आ पर जिहड़ा सारिआं तो सोहणा मंदिर है वह हैगा है हरी मंदिर। डिठे सबे थाम नहीं तो जेहा, भी जिहड़ा सारिआं तो सोहणा मंदिर है जिंदे वर्गा कोई है नहीं वह हरी मंदिर है। ये नहीं कि ठाकुर द्वारे ढाए के तै ठौड़ी मसीत सारा। भाई साहब ने बाणी च लिखिया है कि अन्या लोगों नूं पता नहीं, ये धर्म का ना तो पुकार दिया पर पढ़े हुए पंक्तियाँ सारी बार ही कि अंडे ने ज्ञान तो भी अन्ने, अकल तो भी अन्ने, रब तो भी अन्ने।
बहुवाटी जग चलिया तब ही पे मोहम्मद यारा। फिर पढ़े दोबारा। बहुवाटी जग चलिया तब ही पे मोहम्मद यारा। जदो मोहम्मद साहब इन्होंने ये कहते ना असी खुदा नू मानते हैं, इन्होंने खुदा किनू मनिया है, ला इला इल इला मुहम्मद रसूल अल्लाह, कि मुहम्मद खुदा है। जेड़ा मुहम्मद धरती ते होया है ना, उसके बच्चे भी सी, धियां पुत्र भी, परिवार भी सी सारा, जेड़े जंग जद भी बड़े होए, बड़ा बड़ा कुछ होया। कहिंदे जदों तो मुहम्मद साहब होया ना, बहुत ही वाटा वाटी जग विच चल पईआं, बड़े तरह के धर्म चले, फिर होए मुहम्मद साहब। काम बहतर संग कर बोबित वैर विरोध पसारा। बहत्तर तरह की कौम बना के ना, ते बड़ा वैर विरोध शुरू करता। रोजे ईद नमाज कर करमी बंद किया संसारा। रोजे ईद नमाज कई कुर करके कर्मा च बनता संसार, भी आ कर्म करो, कर्म कर दिए मर जान, रब दे नेड़े ना जान। पीर पैगंबर औलिए गौस कुतब बहु पेख सवारा। कुतब होया गौस होया जिन्हों खुदा मनते हैं, कुतब मनार भी बनी हुई है, बड़े औलिए होए, बड़े पीर पैगंबर आदिक बहुत होए, ते अब हंकार बढ़ गया। ठाकुर द्वारे ठाहे कहते ठौड़ी मासी ते उसारा। इन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू करते, जड़ा उन्हें नागनाथ है वो भी उत्तों तोड़िया। जब असी उत्थे नामदेव का मंदिर बनाया तो बहुत मूर्तियां निकलियां थल्यो जमीन चो, उन्हें सारी जिन्नी है ना सारिया मूर्तियां ही दबिया ने। इतों ताई के कहते जड़ी अपने जामा मस्जिद दियां पौड़ियां ने, उन्दे विच जिथे कृष्ण महाराज ने अवतार धारिया उस थान मंदिर तोड़ के मूर्तियां तोड़ के पौड़ियां च पाईया हुई ने। इन्होंने रोड़ा पाया भी सानू दिखा दो, जे नुकसान होएगा असी चलांगे, तो जे मूर्तियां हुई तो असी अपनी मूर्तियां काढ़ लांगे। उन्दे साढ़े भगवान दी मूर्तियां दब के उत्तों क्या मुसलमान लंघणगे। कहिंदे ने इन्होंने ये काम शुरू किया कि ठाकुर द्वारे तोड़ तोड़ के उथे मसीतां बनाउण लगे उसी थां ते। मारण गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा। ते मारदे ने, इन्हां ने अपना धर्म बनाया कि हिंदू गऊ नूं मनदा है, हिंदू दा वढ़ना जिहड़ा है तड़फा तड़फा के इहनूं हिंदू नूं तड़फाउणा है। जे तुसीं गां नूं वढ़ के तड़फाओगे ना, समझो हिंदू तड़फ रहा है। इस करके गां दा जो मार गोश्त बना के खाना है ना, उस समय इनू तड़फा तड़फा के मारना, हिंदू नू पता लग जाए जिहड़ा गऊ नू माता करके मनदा है। कहिंदे मारन गऊ गरीब नू धरती उपर पाप बिथारा, धरती दे पाप शुरू करते। अज गऊ हत्यारा कौन है, अज गऊआं दा पापी कौन है। सब तो वड्डा जिहड़ा हत्यारा है गऊ दा हत्यारा, वह हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री है। जिहड़ा गऊआं दा हत्यारा है सब तो वड्डा हिंदुस्तान दा, जिहड़ा अपने आप नूं हिंदू मनदा है, वह गऊआं दा हत्यारा है। मैं सिद्ध करांगा, हरेक सूबे दा जिहड़े मुख्यमंत्री अपने आप नूं हिंदू धर्म दे समझदे ने, सब तो वड्डे गऊ दे हत्यारे उह ने। किवें तुसीं पुछोगे, किवें जिन्हें बुचड़खानिया की इजाजत दिती है वो हिंदुस्तान के राजियां ने दिती है, मुख्यमंत्रियों ने दिती है, प्रधान जिथे गऊं वढ़िया जांदियां। जे गऊं वढ़न वालियां थावां दियां तुसीं इजाजतां दित्तियां, परमिशन दिती होई, तुसीं हत्यारे नहीं ते की जे। जे तुहाडे राज विच गऊआं गंद खांदियां फिरदियां ने, गऊआं सड़कां ते मरदियां ने, गऊआं नूं डंडे मार मार के लोकी घरां चों कढ दिंदे आ, जे तुसीं हिंदुस्तान दे हिंदू हत्यारे नहीं गऊ दे ते की जे।
कोई कह दे गौ हत्यारा नहीं, असी भी नहीं कह सकते, साढ़े नाल भी गड्डी च बज के कोई ना कोई गौ मरी होएगी। किंदे कोल गौ दी हत्या नहीं, केड़ा गऊ का हत्यारा नहीं, केड़ा केड़ा गऊआं का कतलेआम नहीं। सब तो वध हिंदू गऊशाला वाले गऊआं गऊआं का कतलेआम कर रहे ने। वो बेचते आ, दुध पीते आ, माड़ियां नूं कढ़ दिंदे आ, वो सरकार तो भी बड़ा पैसा लैंदे आ इक पशु का, दुनिया तो भी ग्राही करते आ। उन्होंने अपने बैंक भरे हुए ने गऊआं वेच वेच के, माँ नूं वेच वेच के धन इकट्ठा करते पए ने। हिंदू माँ के नाँ से ग्रांटा लेंदे फिरदे ने, मां नूं मारदे आ थां थां रोलदे। संभालो तुसीं किन्नियां कु गावां ने, किन्नियां कु गऊआं ने। हिंदुस्तान की सरकार इन्ने हिंद जंगले जंगलों च छड़ दिओ, कि उहो जे साधन कर दिओ। पर ये जो कुछ हो रहा हिंदुस्तान विच, इंदे तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भज नहीं सकता, हिंदुस्तान के जिन्हें भी मंत्री ने सारे भज नहीं सकते, जिन्हें भी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री ने मंत्री ने स्टेटा के, कोई इंदे तो नठ नहीं सकता कि यह गऊ हत्यारे नहीं। अज की पंजाब की जिनी भी सरकार है गऊ हत्यारा है, सारे पंजाब दे विच गऊआं ने, शहरां च गऊआं ने, थां थां गऊआं मरदियां पईआं ने, गंद खांदियां, भुखियां मरदियां। भुख नाल मार देना वो चंगा है कि वढ देना च पाप है। इस करके भाई मारन गऊ गरीब नूं, उदों तां मुसलमान सी ना, अज हिंदू गऊ गरीब नूं मार रहा, गरीबां दा लुट लुट के एक एक वड्डे वड्डे आदमी खा रहे ने। उन्होंने पर कृष्ण भगवान जी महाराज को आण के एक दृष्टांत दसिया पांडवों ने, कहिंदे जी असीं एक हाथी देखिया जंगल च, उहदियां दो सुंडां ने, एक सुंड नाल तां आकाश दे पंछी खाधी जांदा है, एक सुंड नाल उह थल्ले वी जिहड़ा उहदे हथ आउंदा उह खाधी जांदा है, एडा उहदा पेट ही नहीं भरदा। कहिंदे ए आ ए जिहड़े हुण कलयुग विच अगे होणे आ ना, जिन्ना कदे हथ पैसा लगेगा उह खाण दी करनगे। गरीबां नूं लुट लुट के सारे अमीर बन रहे ने इन्हां दे सदका। इस करके ये गऊ गरीब दे हत्यारे ने, जिहड़े हिंदुस्तान की कोई भी सरकार ला लवो, कोई भी मंत्री ला लवो, कोई भी ला लो, जिहड़े गऊआं नूं संभालदे कोई महापुरश ने जिहड़े इन्हां दी पूजा करदे आ, इन्हां नूं संभालदे आ, इन्हां नूं माता वांगू मणदे आ, उन्हां दी पवित्रता है। उन्हां संतां महात्मा दे धर्म ने, पर इन्हां राजसी लोकां दा धर्म नहीं। इन्हां दा तां एक बनाया होया है धर्म दे नां ते लोकां नूं भड़काउणा, लोकां नूं मगर लाउणा। अगे काफर मुलहद इरमणी रूमी जंगी दुश्मन दारा, सारे मुसलमानां दे रोले आ। आपां नूं तां मुसलमान इक लगदे आ ना, इन्हां विच बड़ा कुछ हैगा, बड़े फिरके इन्हां विच ने जिहड़े बड़ी देर तई लड़दे मरदे रहे। हुण थोड़ा जिहा इन्हां दा इस फिरके दा जोर पिया है, पापे दा वरत्या वरतारा, ये पाप दा वरतारा वरत्या होया सारे संसार च। गुरु नानक साहिब ने जिन्हां ने एक गल, गुरु साहिब ने कृपा की, मैं 10 साल जिस रब दे घर च परे पलिया ना, वो मसीत सी, मस्जिद सी। 11 साल बचपन तो ही मैं जाता सी गुरुद्वारे, माँ भी मेरी लैके जाती सी सुरत संभली, तो मैं गुरुद्वारे ही वेख्या तो गुरुद्वारे ही सेवा करी दी सी। पर वो एक मस्जिद साढ़े पिंड विच सी, जिस मस्जिद दे विच असी गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किया है, वो बहुत तक हुण तक भी मेरा उहदी छाती बदली शायद, वो अजे भी कमरा हैगा मस्जिद वाला। इत्थे मस्जिद तोड़ी नहीं सी, तोड़ के इत्थे गुरद्वारा नहीं बनाया सी, कल्ले साडे पिंड च नहीं, कल्ले साडे पिंड विच नहीं ये गल होई सी। जिन्ने मुसलमानां दे पिंड सी साडे नाल, मंदरां पिंड सी, उहदे च भी मसीत च गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश सी। बहुत देर तई संगत कीर्तन मत्था टेक उसी मसीत विच ही जांदी सी, फिर वो मसीत नूं तोड़ नहीं सकदे। इन्हां दा इत्थे सभा बनी हुई है मुसलमानां दी, भाव के बहुत सिखां ने गुरद्वारे मसीत नूं तोड़िया नहीं सी। मसीत दे विच
ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਏ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਣ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦਿਓਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਹੈ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਤੋੜੇ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੜਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਵੀ ਉੜਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੜਨਾ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਇਦੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਾਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅੱਲਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇਸਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਖ ਕਿਸ ਘੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਖ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਮੁਲਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਸੀਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਅੰਨੇ ਨਾ ਬਣੋ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਰੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ
गुरबाणी जो कह रही है वही दास कह रहा है। वह कहते भी तुसी कहते भी सुनत करन दे नाल मुसलमान बनता है, जे सुन्नी करोगे सुन्नत ते तां तुसी सुन्नी मुसलमान तुसी मुसलमान बनोगे, नहीं तो तुसी मुसलमान नहीं। कहते जे सुनत किए तुरक जे होएगा ते औरत का क्या करिए, कहते औरत दा तुहाड़ी हिंदवाणी रहेगी तां ते हिंदू ही रहिए। कहते सुनत कीतिया जे तुरक बनता है, मुसलमान तो तुरक बन गया पर हिंदू क्यों ना बनी, जनेऊ पा के जे हिंदू बनता है तो औरतों के जनेऊ ये घट पाते, शायद पादिया कुछ औरत ज़्यादातर नहीं, पर गुरु साहब ने कहा कि ये जनेऊ जी का ही तो पांडे कत गुरबाणी बड़िया आवाजा देंदी है, सुनिया करो कि केड़िया आवाजा गुरु ग्रंथ साहब जी दे रहे हैं, उन्होंने सुनिया करो तो फिर उनके ते विचारिया करो सोचिया करो कि ये दुनिया किस पासे जा रही है, बाबा नानक की गल कह रहा है, बाबा नानक की उपदेश दे रहा है, बिच आसा की वार सुनो सुखमणी साहब सुनो, हरेक धर्म की गल आखी उन्होंने कहा भी ये कित्थे खड़ा होया, चाहे कोई भी धर्म दुनिया का हर धर्म गुरु साहब ने दसिया भी ये विचाले ही खड़ा होया, उन्दे तक कोई पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहा, सब अपने कर्मों के कर्म करन दे विच फसे हुए ने। तो गुरु साहब ने आपनूं रब का रस्ता मार्ग दिखाया है, इस मार्ग ते गुरसिख ने चलना है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं मनना है, ये जेड़े कि सच्ची आवाज़ दे रहे ने, सच्ची आवाज़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो सेवा वध तो वध सिमन करो पाठ करो नितनेम करो। हुण आ गई बाबा आनंद सिंह जी की बरसी, ये पांच दिन भाई आप इत्थे सेवा करनी, ये पांच दिन वो ने जिस दिन अकाल पुरख रब परमात्मा भी बरसी जान के सेवा करता है, रब भी उनकी गवाही की है, ये गुरु अर्जन साहब जी दस रहे ने, सतगुरु आप खलोआ कार्ज संतां दी दसे गुरु पातशाह सिर ते खड़े ने, अकाल पुरख आप कम करन वास्ते सेवा करन वास्ते इस धरती ते आउंदा है, बाबा आनंद सिंह जी दी बरसी दे आखो श्री वाहे, फिर कोशिश करांगा मैं संगतां दे नाल विचार सांझे करन दी कि नानक सर दी धरती ते अकाल पुरख किवें सेवा करन आउंदा है, किवें देवी देवते आउंदे आ, किवें इहदे इत्थे शक्तियां आण के सेवा कर दियां है, इस थां ते कहिंदे कहबे को सोबाणी देखा ही प्रवान, देख लो सतगुरु आप खलोया। सतगुरु आप खलोया कारज संतां दे, सतगुरु आप खलोया कारज संतां दे, संतां दे कारज संतां दे, कारज संतां दे कारज संतां दे, हरि कम करावन आया कारज संतां दे, कम करावन कम
रावण आया कारज संतां दे कनक रावण आया कारज संतां दे के कारज आप फलोया हर काम करावन आया राम के कारज आप फलोया हर काम करावन आया राम। आप परमेश्वर बाबा आनंद सिंह जी कल्ले कंबली लेके ते लोटा लेके रहिंदे सी, कोई नाल नहीं हुंदा सी। इत्थे हुक्म हो गया, इत्थे बैठ गए, हुक्म हो गया कथा कीर्तन पाठ सब सेवा शुरू करो। बाबा जी ने कहा जी मेरे को कोई है नहीं सेवक सेवादार, कहिंदे गुरु साहब कहते भी असी भेजांगे ते चला दिओ। एक प्रेमी आया, बाबा जी ने कहा भी तैनू कथा करनी आउंदी है, कहिंदे जी आउंदी है। बाबा कहिंदे रोज कथा करया करे कैंडा। सारे कीर्तनीए निरंकार ने भेजे, अकाल पुरख ने कथा करने वाले अकाल पुरख ने भेजे। बाबा आनंद सिंह जी रोटी मंगन गए, रोटी मंग के खा लेंदे सी। उस घर वाले ने ताना मारिया कि तू चंगा जवान गबरू है, मंगना आ गया कमा के खा। उनका घर वाला बोलिया पति दे दे दो रोटियां बेचारे नूं, ये कोई एवें तो नहीं आता, मंगन गया सो मर गया बेचारा, किसी जोगा होना नहीं तां आया है। बाबा जी उतों चुप चपीते निकल गए, जाके वो छपड़ी अजे भी सरोवर बनाया बाबा जी ने भेजा सी सानू, उस छपड़ी ते जाके बैठ गए। मुक्तसर दे इलाके जे भी जे तू भेजेगा तो खा लांगे, नहीं तो नहीं। दसो फिर इत्थे रब नहीं रोटियां भेजता तो कौन भेजता? रब कम करता नहीं। बाबे आनंद सिंह दे कहिंदे लंगर कौन ला रहा? किसी नूं सद्दा पत्र नहीं, किसी नूं प्रेरणा नहीं, कोई मजोरिटी नहीं। तिना महापुरशां नूं इत्थों पुछ लो पाठी कौन लेके आया, रागी कौन लेके आया, जिहड़े ढाडी रागी आए, किसी नूं पैसा नहीं, किसी नूं तनखा नहीं, इन्हां नूं कौन लेके आया? जिन्हें लंगर लाए इन्हां नूं कौन लवा रहा है? तां किसे कोल कोई जवाब नहीं होएगा। ये उहो ही मालक कर रहा है जिन्हें सृष्टि साजी है। वह आप गुरु नानक दियां भेजियां रोटियां इत्थे आउंदियां है, गुरु नानक दे भेजे पाठी आउंदे आ, रागी आउंदे आ, काल पुरख दे। वह कम कराउण नहीं आया तो होर की है, तो क्यों ना असी सेवा करिए। जिस काम वास्ते रब भी लगे आए, परमेशर भी कर रहा है, गुरु नानक साहब जी कर रहे ने बाबे आनंद सिंह दे कारज, ते आपां क्यों ना भी शामिल हो जाइए, असी क्यों ना गुरु नानक साहब दी खुशियां लईए कि सानू वो खुशियां बख्शन, ते असी सेवा करिए गुरु बाबा आनंद सिंह दे इस घर दी बरसी च। बरसी च रब भी परमेश्वर भी आउंदा है। एक बारी दास नाल कौतक होया सी, एक बारी संत गुरमेल सिंह जी नाल। तीन महापुरश आए सन, बाबा जी राम सी, वो कहिंदे असी खैड़ा करन दर्शन करने, असी बाबा जी दे कोल ही कमरे च होंदे सी उत्ते। तां मैं जाके कहा बाबा जी तीन साधु आए आ बाहर, कहिंदे असी हरिद्वार तो आए हाँ दर्शन करने आ। बाबा जी मैनूं कहिंदे उन्हां नूं कह दे भी कुंदन इत्थे नहीं, बाबा जी आपदा नाम लैके बोलदे हुंदे सी, उन्हां नूं कह दे भी कुंदन इत्थे नहीं, कुंदन बाहर गया होया। मैं जाके उन्होंने कहता जी बाबा जी इत्थे नहीं, बाबा जी बाहर ने। वो खड़ के उन्होंने अपनी अवस्था दे विच खड़ के कोई बेनती की, तो बाबा कुंदन सिंह जी इधर बाहर निकल के आ गए। मैं झूठा जा पै गया, इवें ही गुरमेल सिंह नाल गल हुई। बाबा जी ने गुरमेल सिंह कहा भी तू कोई उन्होंने जवाब तो नहीं दिता जिहड़े संत आए सी? बाबा पहलों ना करती, बाबा जी ने फिर आ गए, कहिंदे उन्होंने कहा तो नहीं कोई, कोई तेनू तेनू तो नहीं कोई वचन कर गए?
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਮੰਗਦੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਫਾ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕੇ ਨਾ ਅਤੇ 10-20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 500-500 ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ 5 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਠੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਆਉਣ ਕੀਰਤਨੀਏ ਢਾਡੀ ਆਉਣ ਕਵੀਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਆਰਾਮ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਲੈਟਰਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਓ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਿਆਓ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਭਾਲੋ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲ ਛਿੜਕੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਓ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ
है तो असं इतें जमे पड़े हाँ पर असी हुण बाहरों आए हैं इतने सेवा करन वास्ते गोले बन के सेवा करनी नमाणे हो के करनी कि बरसी तो कोई झोलियाँ भर के लै जाइए कोई साड़ी झोली च पै जाए असी गुआ के ना जाइए कि थोड़ी मत नाल सेवा गुवाईए बाबा जी सिर ते हाथ रख के सेवा लगन हंकार तो बचा के रखन ज्ञान बख्शन के मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा ये सानू समत देन के सब कुछ बाबा जी दे धन बाबा महनाम सिंह जी बाबा आनंद सिंह ते दयाल हो के बाबा खेम सिंह जी बाबा आनंद सिंह जी नू गुरु जान के इत्थे बरसी दे सारा कुछ भेजदे सी लंगर लाउंदे सी बस्तर भी सेवा वध तो वध कमाउणी है ते असी भी उन्हां पूर्णिया दी चल के इत्थे सेवा वास्ते हाजिर होए हां गुरसाहिब हथ रखण सेवा लैण हुकमनामा सारे पाठी सिंघां नू सब नू बहुत बहुत गुरसाहिब खुशियां बख्शण अज खंड पाठां च सारिआं नूं लगणा है ते मां संपड़ पाठां दे भोग पै गए आ सारिआं नूं वधाईआं ने बाबा आनंद सिंह दी बरसी दे वड्डे मां संपड़ पाठ होए आ संत गुरजीत सिंह जी आए सी उन्होंने दर्शन दिते ते सारिआं संगतां ने लाभ उठाया कथा कीर्तन दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का गुरु नानक हर जस गायो संत जना मिल हर जस गायो संत जना मिल हर जस गायो उठ जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई वन पायो कर कृपा कर कर कृपा हर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई मिल हर जस गायो गायो संत जना लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुधाई दया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी ये करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया दैव सकत का नानक ते मुख उजरे एती छुटी ना जिनी नाम ते आया दैव सकत का नानक ते मुख उजरे एती छुटी ना केती छुटी ना श्री वाहे गुरु जी को ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिय बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिय रहाओ कोट पराध हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव हो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राख हो राखन हार दयाला नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला
नानक घर के गोले।